बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों। आज के जो टॉपिक है कि गंदम के बाद तिल लगाएं या चावल, तो इस पे बात करेंगे कि तिल लगाना चाहिए या चावल लगाना चाहिए। इस चीज का फैसला करना आपकी जमीन पे इनसार है कि आपकी जमीन किस तरह की है। अगर आपकी जमीन मैरा है, भारी मैरा जमीन है, तो फिर आप उसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं और चावल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जमीन रेतली है तो फिर उसके ऊपर चावल लगाना तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर तिल लगाएंगे तो तिल की आप उससे भरपूर पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि तिल जो रेतले रकबे पे ज़्यादा कामयाब है, बनिस्बत पक्के वट पे जहाँ पे ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो वहाँ पे इतना कामयाब नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर चावल देखें तो उसके लिए जितनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी, जितनी ज़्यादा देर तक उसमें पानी खड़ा रहेगा, उतना उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है और वहाँ पर चावल की पैदावार अच्छी मिलती है। तो लिहाजा उस रकबे पे आप चावल लगाएं जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा पक्की है, यानी पक्के वट वाले रकबे है आपके, चिकनी मिट्टी वाली रकबा है, तो वहाँ पे आप चावल काश करें। जिन काश्तकार भाइयों का रकबा रेतला है या मैरा है, वहाँ पे अगर आप तेल लगा लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन हदायत के मुताबिक अगर आप फैसला करेंगे तो आप इंशाल्लाह फसलों से भरपूर पैदावार लेंगे, क्योंकि ज़मीन के मुताबिक अगर आप अपनी फसल काश करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर एक्सपेंस जो होते हैं, जो अखराजात हैं, वो मुनासिब करने पड़ते हैं, और मुनासिब अखराजात से आपकी भरपूर पैदावार मिलती है जिससे आपको भरपूर मुनाफा मिलता है। तो आज का मैसेज जिम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई रही मालूमात आपको बर वक्त मिल सके।